नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएससी पार्ट थर्ड के लिए हमने ऑलरेडी एक यूनिट ख़त्म कर चुके हैं ऑर्गेनिक की, जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं थी। कार्बोहाइड्रेट्स 13-14 लेक्चर में क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ऐसे ही हमने अब आपके लिए दूसरी नई यूनिट लेकर आए हैं, जो कि आपकी यूनिट नंबर 5। ठीक है, जिसका नाम है एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में चार पार्ट, इस चैप्टर को जो है चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चार भागों में। क्या क्या? एक में आपको पढ़ने हैं अमीनो अम्ल, ठीक है। दूसरे में क्या पढ़ने हैं? पेप्टाइड्स पढ़ने हैं, फिर पढ़ने हैं प्रोटीन्स, और फिर पढ़ने हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, आई थिंक 10-12 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगी। तो इसका मतलब इस मंथ के अंदर ये यूनिट जो है फिनिश हो जाएगी, इसलिए मैंने इस यूनिट को चुना है। क्योंकि अगर कोई और यूनिट लेती तो वो थोड़ी लॉन्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, इसलिए मैंने एक शॉर्ट यूनिट चुनी है जो आपकी ख़त्म हो जाएगी जल्दी, और फिर तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर तो आपकी क्लास में नॉर्मल चलेगी ही सारी यूनिट्स। ठीक है, तो अभी इस यूनिट को कंप्लीट करना है हमें, तो हमें इस यूनिट को चार पार्ट्स में स्टडी करना है। सबसे पहले एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे, फिर पेप्टाइड्स देखेंगे, फिर प्रोटीन्स देखेंगे, फिर देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये चैप्टर को आप कोरिलेट कर सकते हो किसके साथ? जो आपने इससे पिछले यूनिट में पढ़ा था, क्या पढ़ी थी? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ी थी, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? जैविक अणु थे, बायोमोलिक्यूल्स थे, है ना। और ये भी क्या हैं? ये भी जैविक अणु हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का हिस्सा है, हमारे चारों तरफ नेचर में पाए जाते हैं, है ना। उसी तरह से न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन्स और ये अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, ये भी हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, है ना। इनके बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारी बॉडी जो बनी हुई है, जो शरीर बना हुआ है, वो इन्हीं से तो मिलकर बना हुआ है, इन्हीं से तो मिलकर बना हुआ है। यही तो हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाइयाँ हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। तो इनके बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आप पढ़ते हो ना, प्रोटीन्स क्या है? आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, सर से लेकर पैर तक जो कुछ भी आपके बॉडी ऑर्गेन, सब क्या है? प्रोटीन से ही तो निर्मित हैं। क्या हैं? प्रोटीन्स से ही तो निर्मित हैं। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं अमीनो अम्ल। कौन करते हैं? अमीनो अम्ल। यानी कि अमीनो अम्ल भी इम्पॉर्टेंट हो गए, क्योंकि अमीनो अम्ल ही तो प्रोटीन का निर्माण करेंगे, और प्रोटीन से हमारी बॉडी का निर्माण होगा। यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, प्रोटीन हर जगह मौजूद है, है ना। और प्रोटीन नहीं होगा तो फिर आप कैसे जिंदा रहोगे, है ना। तो ये किससे बनते हैं प्रोटीन? अमीनो अम्ल से बनते हैं। ठीक है, यानी अमीनो अम्ल आएंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे, चेन बनाते जाएंगे, और जब ये लंबी सी चेन बन जाती है तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन क्या है? एक बहुलक की तरह है, क्योंकि जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और अमीनो अम्ल क्या है? उसकी एकलक इकाई है। क्या है? एकलक इकाई, मोनोमर यूनिट है। तो क्योंकि अमीनो अम्ल आपस में जुड़ गए, किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो यानी कि अगर अमीनो एसिड नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अमीनो अम्ल। ठीक है, बिल्कुल जैसे अगर ईंट ही नहीं होगी तो घर कैसे बनेगा, है ना, वही बात है। तो अमीनो अम्ल नहीं होंगे तो प्रोटीन्स कैसे बनेंगे? प्रोटीन्स नहीं होंगे तो न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है ये चारों टॉपिक्स। तो हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? अमीनो अम्लों के साथ। अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? भाई अमीनो एसिड्स नाम से ही पता चल रहा होगा, एसिड यानी एसिड भी हैं, अमीनो यानी कि अमीन्स भी हैं। यानी कि ऐसे यौगिक, हम कह सकते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जिनमें अम्लीय ग्रुप भी हो और क्षारीय ग्रुप भी हो, यानी कि एसिडिक ग्रुप भी हो और अमीन ग्रुप भी हो, वो क्या कहलाते हैं? अमीनो अम्ल कहलाते हैं। कह सकते हैं नाम, क्या कहलाते हैं? अमीनो अम्ल कहलाते हैं, है ना। या हम देख सकते हैं, अमीनो अम्ल देखा होगा ना आप लोगों ने, जैसे ये ले लूँ मैं, CH2 एक तरफ जुड़ा होगा इससे, COOH एक तरफ जुड़ा होगा इससे, NH2। तो ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? अमीनो है। और इन्हीं दोनों के ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित होने की वजह से, ये दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है अमीनो एसिड्स। तो इनका जो नाम है अमीनो एसिड्स, वो इसी आधार पर दिया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमीनो व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमीनो व्युत्पन्न होते हैं। कैसे कह सकते हैं? अगर ये ऐसा होता CH3COOH, तो ये क्या होता? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही तो होता। क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने, और उसकी जगह पर कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? अमीनो। तो कह सकते हो ना ये क्या है? अमीनो व्युत्पन्न है। किसके? कार्बोक्सिलिक अम्लों के। तो इनके कई सारे नाम है, कई सारी डेफिनेशन है। इनको हम क्या कहते हैं? ये हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड क्या है?
ये प्रोटीन्स की एकलक इकाइयां हैं। एमिनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन्स की एकलक इकाइयां हैं जो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं? प्रोटीन्स का निर्माण कर सकती हैं। ये भी कह सकते हैं हम, ये क्या होते हैं? अमीनो व्युत्पन्न होते हैं। तो ये लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, यानी अमीनो एसिड्स को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? कई सारी डेफिनेशन है। पहली दे सकते हैं कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के, किसमें क्या दे सकते हैं हम, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल मूलक में हाइड्रोजन, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल मूलक में हाइड्रोजन दिख तो रहा होगा ना, हाइड्रोजन परमाणु को एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्काइल मूलक में हाइड्रोजन परमाणु को एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। मतलब कि अगर आपके पास ये है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH है, ये क्या है? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। ये इसका क्या है? एल्काइल पार्ट है, एल्काइल रेडिकल है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसको हटा दूं और इसकी जगह कौन लगा दूं? NH2 समूह लगा दूं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एमिनो एसिड। ये क्या बन गया? एमिनो एसिड। और ये सबसे सरलतम एमिनो एसिड है, इसको आपने जानते भी होंगे, देखा भी होगा, है ना। कौन सा अमीनो एसिड है? ये ग्लाइसिन है। कौन सा है? ये कहलाता है, हिंदी में लिखूं तो ग्लाइसिन, ठीक है। सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, जिसमें कार्बन से दो हाइड्रोजन और COOH और NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक ये एक तरह का अल्फा अमीनो एसिड है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड ही हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो एक डेफिनेशन तो हम ऐसे दे सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप को अगर हम किससे प्रतिस्थापित कर दें, अमीनो ग्रुप से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि ये क्या होते हैं, कि ये प्रोटीन की, यहां से लिखो, एमिनो अम्ल प्रोटीन की एकलक इकाइयां होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था ना आप लोगों ने, डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स पढ़े थे। तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होते हैं कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके एन यूनिट्स होती हैं, है ना, आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम ओलिगोसैकेराइड्स का जल अपघटन करते हैं तो जितनी भी एन यूनिट्स हैं वो क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं, है ना। जैसे डाइसैकेराइड में पढ़ा था, दो मोनोमर यूनिट्स मिलकर बनते हैं। जैसे उनका जल अपघटन किया जाता है, दोनों मोनोमर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं? मोनोसैकेराइड। बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन्स भी क्या हैं? प्रोटीन्स किससे मिलकर बने हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। यानी कि अगर हम प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? अमीनो अम्ल प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोटीन के जल अपघटन से, प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि एमिनो अम्लों से ही तो बने हैं, एमिनो अम्ल ही तो हैं एकलक इकाइयां। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो प्रोटीन से बनते हैं पेप्टाइड्स। क्या बनते हैं? पेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्टाइड्स का जल अपघटन करेंगे, प्रोटीन से बनते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड्स किससे बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं पेप्टाइड से। यानी कि जब इसका जल अपघटन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा?
पेप्टाइड्स प्राप्त होगा। और पेप्टाइड्स किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से। यानी कि जब हम पेप्टाइड्स का जल अपघटन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा एंड में? अमीनो एसिड, शॉर्ट फॉर्म में AA से लिख दिया मैंने, है ना। तो यानी कि अमीनो एसिड क्या होते हैं? सूक्ष्मतम इकाई होते हैं जैविक मॉलिक्यूल्स के, यानी कि प्रोटीन्स की सूक्ष्मतम इकाई होते हैं। जब हम प्रोटीन्स का जल अपघटन करते जाएँ तो एंड में जो हमें प्राप्त होगा, जो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होगी, संरचनात्मक इकाई होगी, वो कौन होगी? अमीनो एसिड। तो एंड में हमको क्या प्राप्त होते हैं? अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनको किससे प्राप्त किया जाता है? प्रोटीन्स के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हम इनको ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमीनो व्युत्पन्न होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या होते हैं? अमीनो व्युत्पन्न होते हैं, अमीनो व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ना, इनको दो कैटेगरीज में हम लोगों ने बांटा गया है, ठीक है। कुछ को हम बोलते हैं असेंशियल, आवश्यक अमीनो अम्ल, कुछ होते हैं नॉन असेंशियल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी कमी रहे या वो ना रहें तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। बीमारी तो छोड़ो, हमारी मौत भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो टोटल 10 है। वैसे अमीनो अम्ल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, आप गिनते गिनते नाम याद रखते रखते थक जाओगे। लेकिन जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, जिनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जिंदा ही नहीं रह सकते, वो कितने? टोटल 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो आपको उन्हीं 10 अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, उनको बनाने की विधियाँ पढ़नी है। तो आज के लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, बनाने की विधि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये अगर हम टोटल में देखा जाए तो टोटल में तो 23, टोटल मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन ऐसे 23 अमीनो, कुल 23 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से जुड़कर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और अगर कोई एक जीव है उसको चलाने के लिए कम से कम 10-20 हज़ार प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 23 अमीनो एसिड्स कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से जुड़कर अलग अलग प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। हालांकि अगर पेड़ पौधों में देखा जाए, जानवरों में देखा जाए, जो छोटे जीव जानवर होते हैं वो अमीनो एसिड का निर्माण कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हमें देखा जाए, इंसान जो उच्च जानवर होते हैं ना, जो उच्च प्राणी, उच्च उसमें आते हैं, उच्च स्तर में आते हैं, इंसान हैं या बड़े बड़े जानवर हैं, उनमें देखा जाए तो वो अमीनो एसिड्स का संश्लेषण बॉडी के अंदर नहीं कर सकते। तो इनको कैसे प्राप्त होते हैं बॉडी के अंदर अमीनो एसिड? तो ये हमको बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं भोजन के साथ, ठीक है। तो ये 10 ऐसे असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, हालांकि है तो 23 जो अलग अलग तरीके से जुड़कर बना सकते हैं, लेकिन 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके बिना कोई काम नहीं हो सकता, जो असेंशियल हैं, आवश्यक हैं। और इनको हमारी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते, इसलिए हम इनको कहाँ से? बाहर से इनहेल करते हैं, मतलब बाहर से लेते हैं, भोजन के साथ ग्रहण करते हैं इन अमीनो एसिड्स को, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऐसे 23 अमीनो अम्ल ज्ञात हैं जो अलग अलग प्रकार से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि मनुष्यों में कुछ अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है, अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। मनुष्य के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड्स कितने हैं? टोटल 10 हैं, जिनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, जिनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। संश्लेषण नहीं होता है। इनकी संख्या कितनी है? 10 है। इन्हें कहा जाता है इन्हें आवश्यक एसेंशियल अमीनो अम्ल, इन्हें क्या कहा जाता है? आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है,
आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। हालांकि वैसे तो 23 हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो जाते हैं, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता, इनका संश्लेषण नहीं होता, इनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, भोजन के साथ लेते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 10। 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है और वो हमारी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते, तो इनको क्या कहा जाता है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा देती हूँ। ठीक है, तो वो कौन से 10 अमीनो एसिड्स हैं जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक हैं? तो कौन से हैं? एक है आर्जिनिन। आर्जिनिन स्ट्रक्चर हम बाद में बनाना सीखेंगे सभी अमीनो अम्लों का, ठीक है। आर्जिनिन, फेनिल एलानिन, एलानिन क्या है? फेनिल एलानिन, सॉरी दूसरा, तीसरा, तीसरा है, हिंदी में लिख दूं, आर्जिनिन, ठीक है। दूसरा कौन सा था? फेनिन एलानिन, ठीक है, हिस्टिडीन। चौथा है ल्यूसीन। पांचवा है आइसोल्यूसीन। छठवा है मैथियोनिन। कौन सा है? मैथियोनिन। सातवा है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन। सातवां है लाइसिन। आठवां है वेलिन। आठवां कौन सा है? वेलिन है। नौवां है ट्रिप्टोफेन। कौन सा है? ट्रिप्टोफेन। और दसवां है आपका कौन सा रह गया? आर्जिनिन, फेनिल एलानिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मैथियोनिन। दसवां है थ्रियोनिन। कौन सा है? थ्रियोनिन। थ्रियोनिन ये 10 अमीनो एसिड्स हैं जो असेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक भी है, अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हैं इनको, टीवी मॉल पाथ, टीवी ऐसे भी याद कर सकते हो आप, टीवी मॉल पिथ, ठीक है। इसमें सारे 10 के 10 एमिनो एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली आप ऐसे याद कर लो तो बेटर है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये 10 अमीनो एसिड्स थे जो असेंशियल थे, अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन, कि अमीनो एसिड को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। अगला है एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, इनको कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। हम यहाँ कई तरह के क्लासिफिकेशन देखेंगे जिनके आधार पर हमने अमीनो एसिड्स को क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी उनकी संरचना के आधार पर। तो जो सबसे पहला वर्गीकरण किया गया वो किसके आधार पर किया गया है? संरचना के आधार पर। ये निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक अमीनो अम्ल। दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो अम्ल। तीसरा होता है
हेट्रोसाइक्लिक यानी कि विषम चक्रीय एमिनो अम्ल, ठीक है, यानी संरचना के आधार पर एमिनो एसिड्स को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं एलिफैटिक, एक एरोमेटिक और एक होते हैं विषम चक्रीय, है ना। एलिफैटिक जिसमें कोई आर ग्रुप होगा, एल्काइल, एल्कीन, एल्काइन, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है ना। एरोमेटिक जिसमें कोई एरिल रिंग होगी, यानी कि बेंजीन की रिंग हो सकती है, फिनाइल हो सकता है, बेंजाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एरोमेटिक में। और तीसरा है विषम चक्रीय, कि जहाँ पर क्या होंगे, विषम चक्रीय यौगिक होंगे। अभी विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, एक पूरी यूनिट है आपके सिलेबस में, लेकिन वो यूनिट बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। अगर ये इस मंथ के बाद अगर कुछ जल्दी ही आपकी क्लास शुरू हो जाती तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाती, अधूरी छोड़नी पड़ती, इसलिए मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो बहुत लॉन्ग यूनिट है, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा ये एटम मौजूद हो, सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है। या तो सल्फर हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन, तो कार्बन के अलावा सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन भी अगर उपस्थित हैं चक्रीय यौगिकों में तो उनको कहा जाता है विषम चक्रीय यौगिक, है ना। तो ऐसे एमिनो अम्ल भी हो सकते हैं जिसमें विषम चक्रीय यौगिक जुड़े हुए हैं, जैसे कि हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में एक विषम चक्रीय वलय होती है, ठीक है। तो यह संरचना के आधार पर बांटा गया है। दूसरा अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, पहला तो संरचना के आधार पर बांटा गया है, दूसरा अगर हम देखें तो NH2 व COOH की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कि NH2 और COOH कहाँ पर उपस्थित हैं, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। किसमें, अल्फा अमीनो अम्ल, एक होते हैं अल्फा अमीनो अम्ल, दूसरे हैं बीटा अमीनो अम्ल, तीसरे हैं गामा अमीनो अम्ल, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा आपको जो सिलेबस में है वो है अल्फा अमीनो अम्ल, आपको जो पढ़ने हैं वो कौन से हैं, अल्फा अमीनो अम्ल पढ़ने हैं, ठीक है। आपके जो सिलेबस में कौन से पढ़ने हैं, अल्फा अमीनो अम्ल पढ़ने हैं। अल्फा अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जब NH2 और COOH ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़े हों, ये लिख सकते हैं कि जब NH2 व COOH समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित हों, एक ही कार्बन पर उपस्थित हों तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है CH2COOH और ये क्या है NH2, तो ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन कहलाता है। यहाँ पर NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, है ना, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कैसा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड। बताया भी था कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन है सबसे सिंपल अमीनो एसिड, और ये क्या है, किसकी कैटेगरी में आता है, अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि जब NH2 और COOH एक ही कार्बन पर जुड़े हों, ठीक है। ऐसे ही बीटा भी होता है, बीटा अमीनो एसिड में क्या होगा, बीटा अमीनो एसिड में मतलब NH2 और COOH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर जुड़े हों, अलग अलग से मतलब क्या है, अलग अलग से मतलब है ऐसा हो CH2 एक तरफ हो COOH, एक तरफ क्या हो NH2, तो ये क्या कहलाएंगे, बीटा अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो अमीनो एसिड होगा, लेकिन अल्फा नहीं है क्योंकि NH2 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, COOH अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाते हैं क्या, बीटा अमीनो अम्ल। ऐसे ही होते हैं गामा अमीनो अम्ल, गामा में क्या होगा, COOH यहां पर क्या है NH2, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, जब NH2 ग्रुप किससे जुड़ा हो, गामा कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे यहाँ पर ले लें अल्फा बीटा, तो जब NH2 ग्रुप किससे जुड़ा हो, बीटा कार्बन से जुड़ा हो, तो बीटा अमीनो अम्ल, जब NH2 ग्रुप गामा कार्बन से जुड़ा हो तो ये क्या कहलाएंगे, गामा अमीनो अम्ल कहलाएंगे। तो इस तरह से इनको NH2 और COOH की स्थिति के आधार पर अल्फा बीटा गामा में कैलकुलेट करते हैं, हालांकि इनसे आपको लेना देना नहीं है अभी क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। जब हायर कभी स्टडीज में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे, आपके सिलेबस में केवल कौन से पढ़ने हैं, आपको अल्फा अमीनो अम्लों का अध्ययन करना है, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, चलते हैं आगे। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर किया गया है। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, अम्लीय व क्षारीय
प्रकृति के आधार पर, अम्लीय व क्षारीय प्रकृति के आधार पर, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के होंगे, कौन कौन से, पहले तो कहलाएंगे अम्लीय अमीनो अम्ल, एक होंगे अम्लीय, तो सीधी सी बात है दूसरे कौन से हो जाएंगे, क्षारीय, फिर तीसरे कौन से हो जाएंगे, जो ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, मतलब कैसे हो, उदासीन। तो तीन तरह के रहेंगे, एक अम्लीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल और उदासीन अमीनो अम्ल। अब इनको अम्लीय कैसे कहेंगे, क्षारीय कैसे कहेंगे, उदासीन कैसे कहेंगे, तो अभी अभी हमने जस्ट एक अमीनो एसिड पढ़ा था CH2COOH और NH2। अगर यहाँ की बात किया जाए, एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, यानी एक अम्लीय ग्रुप है और एक क्षारीय ग्रुप है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो ओवरऑल ये कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसमें COOH की ग्रुप की अधिकता हो, यानी कि अगर मैं 1, 2, 3 COOH ग्रुप लगा दूँ इसमें कैसे भी करके, तो क्या हो जाएगा, इसमें अम्लीय ग्रुप की अधिकता हो गई, और जब अम्लीय ग्रुप की अधिकता हो गई तो ऐसा अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, अम्लीय अमीनो एसिड कहलाएगा। अगर क्षारीय ग्रुप की अधिकता हो, क्षारीय ग्रुप बढ़ा दूँ मैं, 1, 2, 3 लगा दूँ क्षारीय ग्रुप, तो ये कैसे हो जाएगा, क्षारीय अमीनो एसिड, और जब दोनों समान मात्रा में हो तो वो तो होते सीधे हमारे उदासीन। तो हम यह डेफिनेशन लिख सकते हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल की, तो लिख सकते हैं हम कि वे अमीनो अम्ल जिनके अणु में एक NH2 व एक से अधिक COOH समूह उपस्थित हों वे अम्लीय अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है, अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आता है, कौन कौन से एग्जाम्पल में आता है, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक, ETC, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, हम देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ भी नहीं आएगी। तो एक एस्पार्टिक अम्ल है, ठीक है, ग्लूटामिक है, ये सभी क्या है, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक अमीनो एसिड हैं, ठीक है, क्या है ये, अमीनो एसिड हैं, लेकिन इनका नाम क्या है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये क्या है, अमीनो अम्ल है, लेकिन कैसे हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल हैं। दूसरे कौन से होंगे, दूसरे होते हैं हमारे पास क्षारीय अमीनो अम्ल, तो इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वे अमीनो अम्ल जिनके अणु में एक COOH समूह व एक से अधिक NH2 समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है, वे क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आर्जिनिन, कौन सा है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, आर्जिनिन, लाइसिन एटसेट्रा, ये कैसे अमीनो अम्ल होते हैं, क्षारीय होते हैं। तीसरे कौन से हैं, तीसरे हैं उदासीन अमीनो अम्ल, तो लिख सकते हैं वे अमीनो अम्ल जिनके अणु में एक COOH व एक NH2 समूह उपस्थित होता है वे उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं, वे उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने लिखा था,
कौन सा? ग्लाइसिन है, वेलिन है, बहुत सारे हैं ETC। तो ये था अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अभी हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन और देखा है हमने अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर कि अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं। आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट उनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, कोई नाम आए तो आप बना तो सको कि ये कौन सा अमीनो अम्ल है। तो टोटल हमने देखे थे 23 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से जुड़कर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने दिखाया था 10 अमीनो एसिड असेंशियल हैं तो केवल 10 ही होते हैं, 10 नहीं होते। वैसे तो जो हमारे यूज़ के हैं वो, वैसे तो अमीनो एसिड्स बहुत सारे हैं, 200 300 कितने भी हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो है टोटल 23। कितने? टोटल 23 अमीनो एसिड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अलग अलग तरीके से जुड़कर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जिनमें से 10 अमीनो एसिड्स तो ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर संश्लेषित नहीं होते, उनको हमें भोजन के साथ बाहर से ग्रहण करने की ज़रूरत होती है। वो मैंने लिखाए थे वो कौन से 10 अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी के अंदर नहीं मिलते। हालांकि ज़रूरी तो है, उन 23 में शामिल है लेकिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं मिलते, उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो उन अमीनो एसिड्स के बारे में हम देखेंगे। टोटल 23 है ना, तो वो 23 अमीनो एसिड्स कौन से हैं वो हम देखेंगे। ये नोट कीजिए जल्दी से। कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्लाइसिन से। किसके साथ शुरुआत करेंगे? ग्लाइसिन, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं? GLY। अमीनो अम्ल जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे आपको, तो इसमें किससे लिखते हैं? हम GLY से लिखते हैं, ठीक है। और ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड्स है। कौन सा है? CH2, COOH, और इधर जुड़ा होगा इससे NH2 समूह। ये क्या है? ग्लाइसिन, सबसे सिंपल अमीनो अम्ल, ठीक है। ग्लाइसिन के बाद दूसरा हम ले सकते हैं एलानिन। एलानिन इसको प्रदर्शित करते हैं ALA से। एलानिन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? ALA। ALA का मतलब होता है एलानिन, ठीक है। अब एलानिन क्या होता है? ये जो ग्लाइसिन है, ठीक है, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं, ग्लाइसिन का एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह पर क्या लगा दूँ, एक मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एलानिन, ठीक है। ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमीनो एसिड है जिसमें दो हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर मैं उसका एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दूँ, एक CH3 मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, तो ये कौन सा बन जाता है अमीनो एसिड? एलानिन बन जाता है। क्या बन जाता है? एलानिन बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक है। तीसरा है वेलिन। वेलिन इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं वेल से, VAL। ये क्या होता है? एक तरफ लगा दूं COH, एक तरफ लगा दूं NH2, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन हटाया, मिथाइल लगाया, तो ये बन गया एलानिन। और अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दूं, आइसोप्रोपाइल समूह लगा दूं, कौन सा लगा दूं? आइसोप्रोपाइल, ये लगा दूं CH CH3 CH3। ये कौन सा समूह है? आइसोप्रोपिल समूह है। तो ये क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है वेलिन। क्या बन जाता है? वेलिन बन जाता है। ऐसे चौथा है ल्यूसिन। ल्यूसिन इसको प्रदर्शित करते हैं LEU से। किससे प्रदर्शित करते हैं? LEU से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, ये था हमारा NH2, ग्लाइसिन का फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दूं मैं? CH2 CH CH3 CH3। अगर ये चेन जोड़ दूं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है ल्यूसीन। क्या बन गया? ल्यूसीन बन गया, ठीक है। पांचवा है ल्यूसीन है, तो ल्यूसीन के बाद आएगा आइसो ल्यूसिन। कौन सा आएगा? आइसो ल्यूसिन। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं ILE से। आइसोल्यूशन को किससे प्रदर्शित करेंगे? ILE से। अब ये क्या होता है आइसोल्यूशन? NH2 CH COOH इतना तो रह गए। अब अगर मैं यहां से CH3 को हटाकर यहां लगा दूं इस कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा? यहां जोड़ दिया मैंने CH3, यहां रहेगा CH, ठीक है। फिर ये जुड़ेगा CH से, यहां पर CH3 और यहां पर क्या रहेगा? CH3। यहां पर क्या रहेगा? CH2 और यहां पर रहेगा CH3।
क्या रहेगा, ये रहेगा सी एच टू और ये रहेगा सी एच थ्री, यानी क्या कर दिया, हाइड्रोजन को इधर ले गए, मिथाइल को इधर ला दिया ल्यूसीन के अंदर, तो ये क्या बन गया, आइसोल्यूसीन बन गया। क्या बन गया, आइसोल्यूसीन। क्या किया, एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पर लगा दिया, मिथाइल को यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बन गया, आइसोल्यूसीन बन गया। छठवां अगर हम देखें तो आता है इसके बाद फेनिल एनालिन, फेनिल एलानिन, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पीएचई से। फेनिल एलानिन को कैसे पहचानते हैं, पीएचई, फेनिल एलानिन, तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है, एलानिन होगा, लेकिन एनालिन में कौन लगा देंगे, फेनिल लगा देंगे, तो एलानिन कहाँ है, ये है हमारे पास, तो पहले एलानिन बना लेते हैं, ये होगा सी एच सी ओ एच, इधर लगा हुआ है एन एच टू समूह। एलानिन में क्या था, सी एच थ्री था, है ना, एलानिन में क्या था, सी एच थ्री था, ये था, ये क्या है, एलानिन है, लेकिन हमें क्या बनाना है, फेनिल एलानिन, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन में यहाँ से हटा दूं और उसकी जगह पर कौन सी रिंग जोड़ दूं, फेनिल रिंग जोड़ दूं, पीएच, पीएच का मतलब सी सिक्स एच फाइव जोड़ दूं, तो ये क्या बन गया, फेनिल एलानिन बन गया। क्या बन गया, फेनिल एलानिन बन गया। जल्दी से नोट कीजिए इनको, फिर आगे और भी अमीनो एसिड्स हैं बनाने हैं, तो ये है छह अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये साइड में बना देते हैं, छह हो गए। अब देखते हैं हम सातवां, सातवां है प्रोलीन, एक होता है हमारे पास प्रोलीन, प्रोलीन को प्रदर्शित करते हैं पीआरओ से, किससे प्रदर्शित करेंगे, पीआरओ, अब दिख रहा होगा कौन सा है, प्रोलीन है, प्रोलीन को प्रदर्शित करते हैं किससे, पीआरओ से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या होता है, ये सबसे अलग तरीके का अमीनो एसिड है, इसलिए बहुत सारी इसकी रिएक्शंस में भी डिफरेंस आता है, ये है प्रोलीन, कौन सा अमीनो अम्ल है, ये प्रोलीन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बाकी जितने भी अमीनो अम्ल हैं उनमें सबसे ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसकी प्रोलीन की, तो ये है प्रोलीन। ठीक है, इसके बाद आठवां ले लें हम सीरीन, सीरीन, सीरीन को ही हम यूनिट रेफरेंस यूनिट लेकर चलते हैं, जब हमको अमीनो एसिड्स को आर एस करना हो, ये है ना, बताना हो आर है या एस है, तो हम किसको रेफरेंस यूनिट लेकर चलते हैं, सीरीन को, या हमको डी और एल बताना हो, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़े होंगे ना आर एस डी एल, तो उसके लिए हम जो यूनिट लेकर चलते हैं अमीनो अम्लों में वो कौन सी, सीरीन है, कौन सी है, सीरीन है। सीरीन क्या होता है भाई, सीरीन होता है ये सी ओ एच, यहाँ पर जुड़ा हुआ है एन एच टू, यहाँ पर जुड़ा हुआ है सी एच टू ओ एच, क्या जोड़ देते हैं, सी एच टू ओ एच जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, एलानिन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ दिया है, OH ग्रुप जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गया हमारा, सीरीन बन गया, और इसको प्रदर्शित करते हैं SER से, कैसे पहचानेंगे, SER, सीरीन, ठीक है। नौवा है सिस्टीन, सिस्टीन, ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं CYS से, किससे करते हैं, CYS से, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है CH COH, यहाँ पर जुड़ा हुआ NH2, बस यहाँ पर सीरेन में क्या होता है CH2OH होता है, और सिस्टीन में क्या होता है CH2SH होता है, OH की जगह पर क्या आ जाता है, SH आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, सिस्टीन बन जाता है, क्या बन जाता है, सिस्टीन बन जाता है। दसवां अगर हम देखें, ये बन गया क्या, सिस्टीन बन गया, जो अगला है वो है थ्रियोनीन, क्या है, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, इसको प्रदर्शित करते हैं THE से, किससे प्रदर्शित करते हैं, THE, थ्रियोनिन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये ऐसा होता है CH COH, यहाँ पर जुड़ा होगा NH2 समूह, यहाँ पर CH, एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर क्या लगा दो, OH लगा दो, और यहाँ पर क्या जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ दो ये क्या है, थ्रियोनिन है ना, तो यहाँ पर क्या जोड़ दो, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, थ्रियोनिन बन गया, कौन सा है, थ्रियोनिन बन गया। तो ये 10 अमीनो एसिड्स लिख लिए, अभी 13 और बचे हुए हैं, जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं, थ्रियोनियन तक हो गया है, अरे टीएच नहीं होता, टीएच आर, थ्रियोनियन टीएच आर, जल्दी से नोट कीजिए, इन्हें बता देती हूँ, ये तो नोट कर लिया, जो अगला अमीनो अम्ल है 11वां वो है टायरोसिन, यहाँ ले लेती हूँ 11वां, दिख रहा है 11वां है
टायरोसिन, ठीक है, क्या है अगला, टायरोसिन है, इसको प्रदर्शित करते हैं टायरो, टी वाई आर से, किससे प्रदर्शित करते हैं, टी वाई आर से प्रदर्शित करते हैं टायरोसिन को। अब ये टायरोसिन क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल अमीनो एसिड है, सी एच सी ओ एच, ठीक है, यहाँ पर जुड़ा हुआ एन एच टू, यहाँ पर सी एच टू, फिनाइल एलानिन जो बनाया था बिल्कुल वही है, सी एच टू से क्या जुड़ेगी, फिनाइल की वलय जुड़ेगी सी सिक्स एच फाइव, और यहाँ पर लगा होगा पैरा पोजिशन पर ओ एच, क्या लगा होगा ओ एच, तो बिल्कुल फिनाइल एलानिन जैसा स्ट्रक्चर है, बस नीचे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ओ एच लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया टायरोसिन, क्या बन गया, ये टायरोसिन बन गया, ठीक है। अगला है बारहवा है मैथियोनिन, मैथियोनिन, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं एम ई टी, मैथियोनिन को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम ई टी, ये क्या होता है, ये इस तरीके का होता है, सॉरी सी ओ एच एन एच टू, ठीक है, ये होता है सी एच टू सी एच टू एस सी एच थ्री, क्या है ये, मैथियोनिन है, सी एच टू सी एच टू एस सी एच थ्री, कौन सा अमीनो एसिड है, ये मैथियोनिन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एस पैराजीन, एक होता है एस पैरा जीन, एस पैराजीन, इसको प्रदर्शित करते हैं ए एस पी से, किससे प्रदर्शित करते हैं ए एस पी से, क्या होता है भाई एस पैराजीन, एस पैराजीन होता है सी एच सी ओ एच एन एच टू, ठीक है, यहां पर होता है सी एच टू सी ओ एन एच टू, एमाइड ग्रुप भी जुड़ जाता है इसमें, क्या जुड़ गया, एमाइड ग्रुप जुड़ गया, सी ओ एन एच टू एमाइड ग्रुप जुड़ गया, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एस पैराजीन, क्या कहलाता है एस पैराजीन, जैसे एस पैराजीन होता है ऐसे ही होता है ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन प्रदर्शित करते हैं जी एल यू से, सॉरी जी एल यू, ग्लूटामिन क्या है, ग्लूटामिन है, इसको प्रदर्शित करते हैं जी एल यू से करते हैं, क्या होता है भाई ग्लूटामिन, इसमें भी एमाइड ग्रुप होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस एक कार्बन बढ़ जाता है, सेम ऐसा ही है ग्लूटामिन, सेम ऐसा ही है, इसमें भी एमाइड ग्रुप होता है, बस यहाँ एक कार्बन बढ़ जाएगा सी एच टू सी एच टू सी ओ एन एच टू, बस एक कार्बन बढ़ गया, ये क्या बन गया, ग्लूटामिन बन गया, क्या बन गया, ग्लूटामिन बन गया, ठीक है। इसके बाद आता है एस्पार्टिक अम्ल, पंद्रहवा है हमारा एस्पार्टिक अम्ल, इसको प्रदर्शित करते हैं ए एस पी से, एस्पार्टिक अम्ल किससे प्रदर्शित करते हैं ए एस पी से, एस्पार्टिक अम्ल ए एस पी, जस्ट बिकॉज ये अम्ल है, और अभी भी हमने देखा था इसमें अम्लीय ग्रुप होते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर हम जानते हैं एक तो एन एच टू ग्रुप होगा और सी ओ एच क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे तभी तो अम्ल आएगा, तो ये होता है सी एच टू सी ओ ओ एच, यहाँ पर कितने अमीनो सॉरी कितने एसिडिक ग्रुप होते हैं, दो, इसलिए ये कैसा अमीनो एसिड कहलाता है, अम्लीय अमीनो एसिड कहलाता है, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अगला है एस्पार्टिक के बाद आएगा ग्लूटामिक, कौन सा आएगा, ग्लूटामिक, तो पंद्रह ये हो जाएगा सोलह, ग्लूटामिक अम्ल, ठीक है, कौन सा है, ग्लूटामिक अम्ल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे जैसे एस्पार्टिक अम्ल है, बिल्कुल ऐसा ही होता है सी एच सी ओ एच, यहां पर रहेगा NH2, बस एक कार्बन बढ़ जाएगा CH2 CH2 COOH, एस्पार्टिक अम्ल में क्या बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया, ये क्या बन गया, ग्लूटामिक अम्ल बन गया, एस्पार्टिक अम्ल में सिर्फ एक क्या बढ़ा दिया हमने, कार्बन बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गया, ग्लूटामिक अम्ल बन गया। इसके बाद है ट्रिप्टोफैन, सत्रहवा है ट्रिप्टोफैन, कौन सा है, ट्रिप्टोफैन, ये भी याद होगा अगर आपको, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में लिखा था हमने ट्रिप्टोफैन, इसको प्रदर्शित करते हैं टीआरपी से, टीआरपी से, और इसका स्ट्रक्चर होता है एनएच टू सी एच सी ओ एच, यहां पर रहेगा सी एच टू
यहाँ पर एक रिंग जुड़ी होती है हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कैसी रिंग होती है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। याद होगा स्ट्रक्चर के आधार पर हमने बताया था, एक होते हैं एरोमेटिक वाले, एक होते हैं एलिफैटिक, और एक होते हैं जिनमें विषम चक्रीय वले होती है। तो ये उसी में आता है। इसमें क्या होती है? एक विषम चक्रीय वले होती है, इंडोल की रिंग होती है। इंडोल जानते हो ना, पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लेंगे। ये ठीक है, इस तरह से होता है ये ट्रिप्टोफैन। इसके बाद है लाइसीन। इसके बाद कौन आता है? लाइसीन आता है। मैं इसको खोल के लिख लेना चाहे तो इधर भी आएगा डबल में। लाइसीन LYS से प्रदर्शित करते हैं। ये भी सिंपल सा अमीनो एसिड है, CH COH इधर होगा NH2, यहाँ पर आएगा CH2। कितने CH2 हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 CH2 आते हैं। कितने CH2 आते हैं? कितने मिथिलीन ग्रुप आते हैं? 4 CH2 ग्रुप आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक लगा होता है NH2। क्या लगा होता है? NH2। तो ये कहलाता है लाइसीन। कौन सा कहलाता है? लाइसीन। इसके बाद है आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसके बाद आएगा आर्जिनिन, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं ARG से। और ये सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा क्षारीय, अगर सब में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षारीय अमीनो अम्ल कौन सा है तो आर्जिनिन है। कौन सा है? आर्जिनिन। कैसी होती है स्ट्रक्चर आर्जिनिन की देख लेते हैं। NH2 CH COOH ये रहेगा, दिख रहा है ना कैसी रहेगी? NH2 CH COOH CH2 NH2 डबल बॉन्ड NH2। तो क्या है हमारा? ये है आर्जिनिन। आर्जिनिन आप देख सकते हैं कितने NH2 ग्रुप उपस्थित हैं, इसमें 4 हैं, इसलिए सबसे ज्यादा क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाता है। सबसे ज्यादा क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाता है ये। कौन है? आर्जिनिन, ठीक है। अब देखेंगे हम हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन लेते हैं। इसमें एक और CH2 होता है, जोड़ लीजिए, यहाँ से लिख दूँ CH2 का होल थ्राइस। 3 CH2 होंगे, उसके बाद NH, या आर्जिनिन है। 20वां बचा हमारा हिस्टिडीन। इसको प्रदर्शित करते हैं HYS से, ठीक है। ये 20 अमीनो एसिड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी 3 अमीनो एसिड्स और हैं, वो इनसे ड्राइव्ड है। ड्राइव्ड है मतलब इनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी में नहीं आते। जो हमारे इम्पोर्टेंट 20 जो होते हैं, वो इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को इम्पोर्टेंट कहा जाता है। वैसे तो टोटल 23 हैं। जैसे एक सिस्टीन है, सिस्टीन के अलावा एक और सिस्टीन होता है, लेकिन उसमें ई और आई का फर्क पड़ जाता है, ठीक है, इतना सा फर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा? ये है हमारा हिस्टिडीन। और हिस्टिडीन कैसा होता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हिस्टिडीन में क्या होती है? विषम चक्रीय वलय होती है, ठीक है। ये होता है हिस्टिडीन। यहाँ पर मैं जोड़ूं अगर एक विषम चक्रीय वाले हैं, नाइट्रोजन, इस तरह से इसमें क्या होती है? विषम चक्रीय वलय होती है। इसमें इमिडाजोल रिंग होती है, इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। कौन सी रिंग बोलते हैं इसे? इमिडाजोल रिंग होती है इसमें, ठीक है। ये जो रिंग बनी हुई है इमिडाजोल रेजिड्यू, इसको बोलते हैं इमिडाजोल। तो ये हिस्टिडीन। तो ये 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी के 3 अमीनो एसिड्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।